जिन शरणागत भक्त जनों के हृदय का विरहजन्य संताप एक बार दूर हो चुका है, उनके हृदय में वह फिर कैसे आ सकता है? जैसे चंद्र उदय होने पर सूर्य का ताप नहीं लग सकता, विवशता से नामोच्चारण करने पर भी संपूर्ण अग राशि को नष्ट कर देने वाले स्वयं भगवान श्री हरि जिसके हृदय को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उसने प्रेम की रस्सी से उनके चरण कमलों को बांध रखा है। वास्तव में ऐसा पुरुष ही भगवान के भक्तों में प्रधान है। जय श्री कृष्ण। माया से पार होने के उपाय तथा ब्रह्म और कर्म योग का निरूपण। राजा निमि ने पूछा, भगवान सर्वशक्तिमान परम कारण विष्णु भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देती है, उसे कोई पहचान नहीं पाता, और आप कहते हैं कि भक्त उसे देखा करता है, अतः आप अब मैं उस माया का स्वरूप जानना चाहता हूँ, आप लोग कृपा करके बतलाइए। योगेश्वरो, मैं एक मृत्यु का शिकार मनुष्य हूँ, संसार के तरह तरह के तापों ने मुझे बहुत दिनों से तपा रखा है, आप लोग जो भगवत कथा रूप अमृत का पान करा रहे हैं, वह उन तापों को मिटाने की एकमात्र औषधि है, इसलिए मैं आप लोगों की इस वाणी का सेवन करते करते तृप्त नहीं होता, आप कृपया और कहिए। अब तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष जी ने कहा, राजन, भगवान की माया स्वरूपतः अनिवर्चनीय है, इसलिए उसके कार्यों के द्वारा ही उसका निरूपण होता है। आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों के कारण बनते हैं और उनके विषय भोग तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए अथवा अपने उपासकों की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए स्वनिर्मित पंचभूतों के द्वारा नाना प्रकार के देव मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं, उसी को माया कहते हैं। इस प्रकार पंच महाभूतों के द्वारा बने हुए प्राणी शरीर में उन्होंने अंतर्यामी रूप से प्रवेश किया और अपने को ही पहले एक मन के रूप में और इसके बाद पांच ज्ञानेंद्रियां तथा पांच कर्मेंद्रियां
इन 10 रूपों में विभक्त कर दिया तथा उन्हीं के द्वारा विषयों का भोग कराने लगे। वह देह अभिमानी जीव अंतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोग करता है और इस पंचभूतों के द्वारा निर्मित शरीर को आत्मा अपना स्वरूप मानकर उसी में आसक्त हो जाता है। यह भगवान की माया है। अब वह कर्म इंद्रियों से सकाम कर्म करता है और उनके अनुसार शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख भोग करने लगता है और शरीरधारी होकर इस संसार में भटकने लगता है। यह भगवान की माया है। इस प्रकार यह जीव ऐसी अनेक अमंगलमय कर्म गतियों को उनके फलों को प्राप्त होता है और महाभूतों के परलय पर्यंत विवश होकर जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म को प्राप्त होता रहता है। यह भगवान की माया है। जब पंचभूतों के परलय का समय आता है तब अनादि और अनंत काल स्थूल तथा सूक्ष्म द्रव्य एवं गुण रूप इस समस्त व्यक्त सृष्टि को अव्यक्ति के ओर उसके मूल कारण की ओर खींचता है। यह भगवान की माया है। उस समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्ष तक भयंकर सूखा पड़ता है। वर्षा बिल्कुल नहीं होती। प्रलय काल की शक्ति से सूर्य की उष्णता और भी बढ़ जाती है तथा वे तीनों लोगों को तपाने लगते हैं। यह भगवान की माया है। उस समय शेषनाग शंकरसन के मुंह से आग की प्रचंड लपटे निकलती है और वायु की प्रेरणा से वे लपटे पाताल लोक से जलाना आरंभ करती है तथा और भी ऊंची ऊंची होकर चारों ओर फैल जाती है। यह भगवान की माया है। इसके बाद प्रलयकालीन सार्वर्तक मेघगण हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी धाराओं से 100 वर्ष तक बरसता रहता है। उससे यह विराट ब्रह्मांड जल में डूब जाता है। यह भगवान की माया है। राजन उस समय जैसे बिना ईंधन के आग बुझ जाती है वैसे ही विराट पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड शरीर को छोड़कर सूक्ष्म स्वरूप अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। यह भगवान की माया है। वायु पृथ्वी की गंध खींच लेती है जिससे वह
जल के रूप में हो जाती है और जब वही वायु जल के रस को खींच लेती है तब वह जल अपना कारण अग्नि बन जाता है। यह भगवान की माया है। जब अंधकार अग्नि का रूप छीन लेता है तब वह अग्नि वायु में लीन हो जाती है और जब अवकाश रूप आकाश वायु की स्पर्श शक्ति छीन लेता है तब वह आकाश में लीन हो जाता है। यह भगवान की माया है।